यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो कट बने हुए हैं वो स्टार टाइप बना हुआ है, ठीक है। ये देखें, नज़र आ गया दोस्तों, ये देखें, ये बिल्कुल अंदर से गोल हो चुके हैं, ठीक है। ओके हो गया दोस्तों, आपने देख लिया दोनों साइडों से, और इस पंखे को भी देख लिया कि इसके जो कट हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये नीचे वाला जो स्टील का बुश होता है दोस्तों, ये नीचे इस रबड़ के अंदर ऐसे बराबर होना चाहिए दोनों साइडों से, इधर से भी और इधर से भी। तो पंखा हमारा प्लेट में दोस्तों टकरा रहा है, इसके नीचे हम रखेंगे स्टार वॉचलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद कूलिंग सेंटर। दोस्तों आज हमारे पास आई है एक मोटर सबमर्सिबल पंप। ये क्या मसला कर रही थी दोस्तों, ये बिल्कुल पानी ही नहीं उठा रही थी। आपकी मोटर पानी नहीं उठा रही या प्रेशर कम हो गया है, तो ज्यादातर मसला क्या आता है, ज्यादातर मसला ये होता है दोस्तों पंप के अंदर ही आता है, या फिर मसला ये होता है कि अगर आपका पाइप जो है मोटर के साथ जो लगा होता है, अक्सर क्या होता है कि जो पाइप निपल बीच में लगा होता है वो लीक हो जाए, तब भी मोटर जो है प्रॉपर प्रेशर नहीं दे रही होती, या फिर आपके पंखे जो हैं वो बिल्कुल अंदर से गोल हो जाए, जो कट होते हैं पंखों के। अब ये बिल्कुल नया पंखा है मेरे पास, ठीक है, इसके मैं आपको कट चेक करवाता हूँ। और जो इसके अंदर से निकले हैं खराब पंखे, ये पुराने, ये अंदर से बिल्कुल गोल हो चुके हैं, इनके जो कट है वो खत्म हो गए हैं दोस्तों। मोटर तो चल रही थी लेकिन पंखा अंदर नहीं घूम रहे थे, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर ही नहीं निकल रहा था बिल्कुल, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह मैं ये दो चीजें आपको पहले चेक करवाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो कट बने हुए हैं वो स्टार टाइप बना हुआ है, ठीक है। ये देखें, नजर आ गया दोस्तों, अब इसके अंदर ये बिल्कुल गोल हो चुका है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल अंदर से गोल हो चुके हैं, ठीक है। ओके हो गया दोस्तों, आपने देख लिया दोनों साइडों से, और इस पंखे को भी देख लिया कि इसके जो कट हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब इसकी दोस्तों जो रीजन थी वो मसला ये था कि पंखे कट बिल्कुल खत्म हो गए थे, गोल हो चुका था अंदर से पंखा, और बीच में ये जो शफट है ये घूम रही थी लेकिन पंखा घूम नहीं रहा था, जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं आ रहा था, ठीक है दोस्तों। कभी कभार ये होता है कि पंखे बिल्कुल घिस जाते हैं, वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ बिल्कुल। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नजर आ रहा होगा, पीछे से जो पंखा है वो घिसा पड़ा है, अगर घिस जाए तब भी क्या होता है कि प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है। अब आज मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूं इस पंप की कैसे सेटिंग होती है, इन पंखों की। एक पंखा है जो फर्स्ट टाइम आपका लगेगा इस कप के ऊपर दोस्तों, ये नीचे वाला जो कप, इसके ऊपर जो आपका पंखा लगेगा उसकी आपने प्रॉपर सेटिंग करनी है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली जितने पंखे आपके लगेंगे, 12 है, 14 है या 24 पंखे हैं, उनकी सबकी सेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक हो गया दोस्तों। तो आइए इंशाल्लाह सबसे पहले इसको शुरू करते हैं, तो वीडियो पूरी देखनी है इंशाल्लाह। अब दोस्तों ये शाफट है हमारी, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो स्टील का बुश होता है दोस्तों, ये नीचे इस रबड़ के अंदर ऐसे बराबर होना चाहिए दोनों साइडों से, इधर से भी और इधर से भी, ये दोनों साइडों से बराबर होना चाहिए, ठीक है। और हम जो नीचे बुश रखेंगे या इसके अंदर जो बुश रखेंगे पंखे को एडजस्ट करने के लिए, सारा कमाल उस बुश का है दोस्तों, समझ आ गई आपको। अभी मैं इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर सेटिंग करता हूं और आपको क्लियर बताता हूं कि इसकी प्रॉपर सेटिंग कैसे होगी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मोटर के अंदर आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि अभी यहां पर शाफट के अंदर आप देखेंगे तो बिल्कुल कोई चीज भी हमने नहीं रखी हुई, ठीक है। अब हमने करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, इसके नीचे जो है प्लास्टिक का हमने बुश रखना है। ये देखें, ये हमने प्लास्टिक का बुश रखा, लेकिन ये बुश जो है थोड़ा बड़ा है दोस्तों, इसको सबसे पहले काट लेते हैं।
अब दोस्तों ये वाला जो बुश है स्टील का, ये देख रहे हैं कि ये रबड़ के अंदर दोनों साइडों से बराबर होना चाहिए। जब आप मोटर के ऊपर फिट करेंगे तो इस तरह बराबर होना चाहिए, ठीक है, दोनों साइडों से। ये देखें इस तरीके से। अब प्लास्टिक का हमने पहले बुश रखा है नीचे, अब हमने स्टील का बुश रखना है ये वाला। अब हमने ये वाला कप लगाना है नीचे वाला। तो अभी आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों कि हमारा जो बुश है स्टील का बिल्कुल बराबर हो चुका है, ठीक है। ये बराबर ही होना चाहिए, ना नीचे होना चाहिए ना ऊपर होना चाहिए। ऊपर होगा तो नीचे से जो बुश रखेंगे और इस कप की जो रबड़ है वो कट जाएगी। तो इस वजह से आपने ये बुश जो है स्टील का ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक हो गया। अब ये यहां से बराबर हो चुका है, अब हमने प्लास्टिक का बुश रखना है। अब ये बुश रखने का मकसद ये है दोस्तों कि जो हम ये प्लेट रखेंगे ना, इस प्लेट से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। ये पंखे की कॉलर और बुश आपस में टच होना चाहिए, ठीक है। तकरीबन एक मिली का फर्क होना चाहिए इसमें, इस प्लेट से ये पंखा जो है ऊपर होना चाहिए। तो पंखा हमारा प्लेट में दोस्तों टकरा रहा है, इसके नीचे हम रखेंगे स्टार वाशलें। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये स्टील की वाशलें हैं, ये आपने रखनी है इसके अंदर अगर पंखा टकरा रहा होगा तो। तो दोस्तों यहां पे जो हमारी सेटिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर हो चुकी है। अब जो हमारा ये पंखा है और नीचे वाला जो हमने प्लास्टिक का बुश रखा था वो प्रॉपर कवर कर रहा है, ठीक है। और हमने दो जो वाशले रखी हैं उसकी वजह से अब जो प्रॉपर सेटिंग है पंखे की हो चुकी है और नीचे वाली जो प्लेट है उसके साथ पंखा हमारा नहीं टकरा रहा। अब यहाँ पे आपकी समझ लें कि आपके अगर 11 पंखे 12 पंखे या 18 या 24 सबकी सेटिंग हो चुकी है। अब सिंपल आपने करना क्या है दोस्तों, ये देखें, ये सिंपल डब्बी रखनी ऊपर और ऊपर ये वाली स्टार वाशल जो रबड़ की होती है वो रखनी है। अब आपने पूरी पूरी डब्बी उठानी है पंखे समेत और इस तरीके से आपने इसके ऊपर लगाते जाना है। अब एक स्टार वाशर रखेंगे, एक पंखा लगाएंगे, एक स्टार वाशर रखेंगे, एक पंखा लगाएंगे। ये देखें यहां पे अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रॉपर सेटिंग है हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों आपने चेक किया कि अब हमारी जो मोटर है ये देखें बिल्कुल रवा है और पंखे अंदर जो है फ्री है बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों आपने चेक किया कि हमने किस तरीके से सेटिंग की है और अभी सब पंखों की हमारी 11 पंखे हैं 075 की मोटर है इसके अंदर प्रॉपर सेटिंग हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको मैं दोबारा फ्री ऐसे घुमा के चेक करवा सकता हूँ, बिल्कुल फ्री हमारा पंप भी और मोटर भी। अब हमने इसके ऊपर ये स्टील वाला बुश लगाना है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने
इस डब्बी के ऊपर वाशर रखी, वाशर के ऊपर जो है बुश लगाया, ठीक है, और ऊपर हमने नट अभी टाइट कर दिया। अब यहाँ से हम इसको डब्बियों को दबाएंगे और दबा के नीचे से पंप को घुमा के चेक करेंगे कि घूम रहा है या नहीं घूम रहा। अगर नहीं घूम रहा तो फिर हमारी सेटिंग में प्रॉब्लम है, अगर घूम रहा है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक है। ये चेक कीजिए, अब यहाँ पे हम दबा रहे हैं इसको, तो यहाँ पे अगर मसला होता तो ये जाम हो जाता, लेकिन जाम नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री है, बिल्कुल घूम रहा है। ये चेक करें, ठीक हो गया दोस्तों। अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सेटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, और किस तरीके से मैंने सेटिंग की आपको सारा क्लियर बताया दोस्तों। अब ऊपर जो कप लगेगा वो इसके अंदर ही लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे बिठा लेते हैं। अब कितने भाई हैं जो पंप तो फिट कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है अक्सर चूड़ी यहां से फ्री हो जाती है, या फिर ये सुराख जो है आमने सामने नहीं आते। वो क्या वजह होती है दोस्तों, ये जो आप नीचे वाले कॉलर चेक कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक जो है ना आपका ये पंप की बॉडी का साइज बना होता है, मतलब है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो है ये आपकी ये वाली कॉलर, इसके ऊपर जो कॉलर होती है दोस्तों वो निकला नहीं है उसका, वो जो है ना कप, अगर वो ऊपर रख के मैं आपको प्रॉपर चेक करवाता, लेकिन वो फंसा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब उस ऊपर वाला जो कप है ना उसकी कॉलर और नीचे वाला ये कप की कॉलर, ये सेम बराबर होनी चाहिए, ठीक है, इस चूड़ी के मुताबिक, तब जाके आपका ये कप प्रॉपर बैठेगा और प्रॉपर जो है इसके सुराख जो है वो पूरे आएंगे। तो अभी इंशाल्लाह इसको फिट करते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है हम मोटर का और पंप को आपस में घुमा के चेक करेंगे कि फ्री है या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये फ्री है बिल्कुल, ठीक है। अब हमारे जो ये सुराख हैं, ये सुराख अक्सर कारीगरों से सामने नहीं आते, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सेटिंग की है उससे सुराख भी आप हमारे बराबर आ गए, और यहाँ पे जो है पेज भी हमारे लग जाएंगे, ठीक है। ये प्रॉपर सेटिंग होती है, ये नहीं होता कि आप सेटिंग करें और ये सुराख ही ना सामने है, वो सेटिंग नहीं हुई, वो एक जुगाड़ होता है अनाड़ी का काम करने वाले बंदे का, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है सेटिंग हो चुकी है, अभी सही क्या करना, पेज लगाना, मैं आपको पेज भी लगा के यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। आप ये ना कहे कि ऐसे ही चेक तो करवाया नहीं भाई, लंबी लंबी छोड़ है, ठीक है। तो अभी सही पेज तो दोस्तों ये लंबी वाली जो इसकी पथरी होती है तार वाली पथरी, ये नहीं है इसके साथ हो, ठीक है, और ये छोटी जाली जो है ये वाली तो है। और अभी मैं आपको पेज यहाँ पे लगा के चेक करवाता हूँ कि ये पेज सामने आए हैं या नहीं आए, या लग रहे हैं या नहीं लग रहे, ठीक है। तो आइए इंशाल्लाह मैं आपको लगा के चेक करवाता हूँ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने पेज भी यहाँ पे लगा लिए हैं, ठीक है। और ये वाला जो पेज है ये थोड़ा सा ख़राब हुआ है, इसकी चूड़ी जो है अंदर से ना इस बॉडी की, जिस वजह से पेज नहीं लग रहा। और मेन चीज़ ये होती है कि ये पतरी के जो पेज होते हैं कि तार वाली पतरी अक्सर जो है वो लोग लगाते हैं, और ये वाले पेज जो सामने नहीं आते। और अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ देख सकते हैं कि पंप की हमने कैसे सेटिंग की है कि ये पेज जो है अल्हम्दुलिल्लाह सामने आए, और यहाँ पर भी ऊपर जो दो पेज हमने लगा दिए पतरी के, ठीक हो गया। तो अभी इंशाल्लाह इसकी किस तरीके मैंने सेटिंग की, क्या क्या चीज़ इसके अंदर रखी है, आपको सारा डिटेल के साथ बताया। तो अभी इंशाल्लाह मैं आपको ये सारा फिटिंग तो चेक करवा दिए। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ आ गई होगी। समझ आई है तो भाई को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे ये होता है कि मुझे खुशी से फील होती है कि भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अब मोहम्मद अफजल अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।